हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगस्त 2022 में, यानी कि अगले महीने, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ओके, आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं अगस्त 2022 में। यह रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, ठीक है व्यूअर्स। और ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, तो आपको ये रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। यह रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, ठीक है। और व्यूअर्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, तो अगर कोई ड्रीम टैरो के नाम से आईडी बना के, मेरे नाम से फेक आईडी बना के आपको कोई कॉन्टैक्ट डिटेल या व्हाट्सएप नंबर देता है, तो उसका विश्वास ना करें, ओके क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं प्रोवाइड करती। और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं, सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके, चलिए देखते हैं व्यूअर्स यहां पर कि अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। ओके, यहाँ पर हम डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बैकग्राउंड में मौसम की आवाज तो आ रही होगी, आई डोंट नो आ रही है या नहीं, बट आई थिंक आ रही होगी। द एम्परर, ओके, एम्परर एंड क्वीन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ओके। देखते हैं और कि अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आ रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड अस। टेन ऑफ वैंड्स, ओके ओके। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो अनफोल्ड हुआ है। आई हैव टू कंसिडर दिस कार्ड व्यूअर्स, ओके। काफी स्ट्रॉन्ग कार्ड यहां मुझे देखने को मिल रहे हैं। एम्परर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, लाइक रियली वाओ। ओके व्यूअर्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बताना। तो व्यूअर्स, एम्परर का कार्ड देखकर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नेक्स्ट मंथ ऐसा हो सकता है कि वो अपने ईगो में ज्यादा रहें, यानी थोड़े जिद्दी नजर आ रहे हैं मुझे। एक हट होता है, एक जिद होती है, ये उस जिद में नजर आ रहे हैं। और इनकी जिद ये हो सकती है कि मैं फर्स्ट स्टेप नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, यानी कि मैं सामने से अप्रोच नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, या मैं माफी नहीं मांगूंगा, समथिंग लाइक दैट, यू नो। एम्परर का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखा रहा है कि ये अपने आप में भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। लाइक उन्हें ऐसा ही लगेगा कि आप आकर उनको अप्रोच करें। ये इनका ईगो इश्यू हो सकता है, थोड़ा ईगोइस्टिक अगर ये बाय नेचर भी हैं, या यू नो इस समय थोड़े जिद्दी हो गए हैं, हमेशा से इतने ईगोइस्टिक नहीं थे, लेकिन थोड़ा एटीट्यूड में ये रह सकते हैं नेक्स्ट मंथ, मुझे ऐसा लग रहा है। यू नो, एक पुश एंड पुल की सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ सकती है कि मैं क्यों पहले अप्रोच करूं या मैं क्यों पहले अप्रोच करूं। उनकी गलती है, वो अप्रोच करें, उन्हें यू नो अगर उन्हें रिश्ता रखना है तो वो अप्रोच करें। तो आप दोनों के बीच कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। ओके व्यूअर्स, या गिव मी अ मोमेंट, या तो ईगो क्लैशेस अगले महीने हो सकते हैं। साथ ही साथ व्यूअर्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगले महीने बहुत कुछ रिवील भी होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है कि आप उस एनर्जी में होंगे, उस सच जानने की एनर्जी में, या उस क्यूरियोसिटी में होंगे, या आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, आपका कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए, उस चीज की एनर्जी में आप इतने ज्यादा होंगे कि आपके सामने काफी सारी चीजें रिवील भी होंगी, और आप खुद से भी प्रयास करेंगे काफी सारी चीजों के पीछे जो सच है उसे जानने का। तो आप मुझे काफी क्यूरियस लग रहे हैं नेक्स्ट मंथ कि अगर कुछ छुपाया गया है आपसे, कुछ मिस्टीरियस था यहाँ पर,
तो अगले महीने ऐसा हो सकता है, यू नो अगस्त 2022 में ऐसा हो सकता है कि वो सब चीजें आपके सामने रिवील हों और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप उसका डिसीजन ले सकते हो। यस, हो सकता है अगले महीने आपको इस बात का थोड़ा हर्ट हो या इस बात से थोड़ी यू नो डिसअपॉइंटमेंट हो कि अभी भी ये अपने ईगो में बैठे हुए हैं या अभी भी अपने एटीट्यूड में है ये पर्सन और स्टेप नहीं लेना चाह रहे। लेकिन या तो ये चाहे आपके आगे सच रिवील करें या ना करें, कहीं और से यू नो या खुद पता करने से भी आपके सामने सच आ जाएगा ऐसा लगता है मुझे। सिर्फ आप सच को डील करने वाले हो नेक्स्ट मंथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीजें थी या बातें थी जो आपसे हिडन थी, छुपाई गई थी, आपको नहीं पता थी एंड यू डिजर्व टू नो, तो आपके सामने आ जाएंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है आप काफी यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में रहोगे, काफी मैं कहूँ क्लियर कट एनर्जी में रहोगे, ब्लैक और वाइट में डिसाइड करना चाहोगे, कोई ग्रे एरिया नहीं रखना चाहोगे, यू नो कि फिर से कोई डिप्लोमेटिक आंसर्स को एक्सेप्ट करो आप, ये सब आप नहीं हैंडल करोगे, आप सच में आंसर चाहोगे येस या नो, वाइट और ब्लैक, समथिंग लाइक दैट। ओके, यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि हो सकता है कि अगस्त 2022 यानी कि नेक्स्ट मंथ की हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए भी नजर आएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखें, क्योंकि अब आप उन्हें ये शो नहीं करना चाहेंगे कि आप कितना ज्यादा फील कर रहे हैं उनके लिए, कितना वल्नरेबल हो रहे हैं उनके लिए, कितना ज्यादा तड़प रहे हैं, ये सब आप उन्हें शो नहीं करना चाहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ आप अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक बर्डन आपके अंदर हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, तो वो एक भारीपन आपको महसूस हो सकता है आपके मन में। ओके, समवेयर मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, आपके पर्सन भी आपको लेकर एक अट्रैक्शन, एक यू नो एक मैग्नेटिक पुल जरूर महसूस करेंगे, लेकिन वो उसको हाइड कर लेंगे, यानी कि चेहरे पर अपने हाव भाव में, अपने बिहेवियर में ऐसा एक्सप्रेस नहीं होने देंगे कि उन्होंने आपको मिस किया या वो आपको मिस करते हैं, नो ऐसा नहीं एहसास होने देंगे। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं व्यूअर्स, उन्हें नेक्स्ट मंथ आपको लेकर कोई ना कोई डिसीजन भी लेना होगा, स्ट्रॉन्ग सॉलिड डिसीजन कि उन्हें करना क्या है। ओके, तो अगर उनका अगले महीने आपसे जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी कम्युनिकेशन होगा, तो वो यही होगा कि वो कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड डिसीजन ले लेंगे। ठीक है, मैं अभी इन कार्ड्स को और क्लैरिफाई करती हूँ टू गो मोर डीप इन इट। इस डेक से क्लैरिफाई करते हैं व्यूअर्स, लेट्स सी। आपके पर्सन को आप रेड में बहुत अच्छे लगते हो व्यूअर्स, रेड में, या इमेजिन किया होगा आपने उन्हें रेड में या इन्होंने आपको रेड में इमेजिन किया है, बट यहां पर रेड कलर मुझे बहुत ही सिग्निफिकेंट लग रहा है। ओके, यस, टू ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, मैंने कहा था अट्रैक्शन, तो यहाँ पर वो फील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, बट वो एक्सप्रेशंस या बिहेवियर में इस चीज को दिखने नहीं देंगे। अगेन सोर्ड्स की एनर्जी व्यूअर्स, यहाँ पर सोर्ड की एनर्जी यहाँ भी है, यहाँ भी है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि नेक्स्ट मंथ आपके लव लाइफ में ये, अगर वो कोई एक्शन ना भी ले, सिर्फ कोई डिसीजन ले लें, यू नो ऐसा हो सकता है कि अपने मन ही मन में कोई डिसीजन ले लें और आपसे ये बात कन्वे ना करें, कम्युनिकेट ना करें, आपको बताएं ना, आपको बताना जरूरी ना समझें, अपने ही मन में ये कोई डिसीजन ले लें, ये भी पॉसिबल है। ओके, यस, ये भी पॉसिबल है। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि ये थिंकिंग करते हुए बहुत नजर आने वाले हैं आपके बारे में नेक्स्ट मंथ। ये चाहे कोई एक्शन लें या ना लें, कोई डिसीजन लें, वो भी शायद आपको बोल के ना लें, आपको बता के ना लें, आपको बताएं ना डिसीजन के बारे में, लेकिन ये कोई डिसीजन भी ले सकते हैं और लगता है कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये अगस्त 2022 में आपके बारे में बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि ये ड्रीम्स भी देख रहे हैं आपके, तो अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं
तो आप इनके सपनों में जरूर आते हैं या आने लगे हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अपने ही कंफर्ट जोन में, अपने ही प्राइवेट जोन में सपने देख रहे हैं आप, आपको लेकर, और बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। ये पोजीशन ऐसी है जो कोई एक्शन नहीं दर्शाती। तो अगर इन्होंने अगस्त 2022 में कोई एक्शन लिया तो वो बहुत ही क्विक होगा और बहुत ही टेम्परेरी होगा, कोई सॉलिड ऑफर नहीं आने वाला है। यस, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बट ये मोर लाइक ऐसा दिखता है यहाँ पे कि जैसे ये कोई डिसीजन लेने वाले हैं, कोई स्ट्रांग डिसीजन लेने वाले हैं। जैसे आप अपने मन में कोई डिसीजन लें कि आपसे मुझे ये करना है, आपसे मुझे ये चाहिए, या आपसे मैं इस पर ध्यान दूंगा या दूंगी, तो ये डिसीजन आपने अपने मन में लिया है। इसके लिए आपको ये सबको बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ये आपको लेकर कोई स्ट्रांग सॉलिड डिसीजन ले लें, लेकिन इस बारे में ये आपको बताएं ना, कन्वे ना करें। नाइट ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ दिखा रहा है कि अनकंट्रोलेबल पैशन, अट्रैक्शन और इंटेंसिटी ये आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, ऑलरेडी दे आर फीलिंग इट। ठीक है, तो अगस्त में भी यही होगा व्यूअर्स की, इनका पैशन जो है, ये फायर एनर्जी है, वो इसी हाई लेवल पर रहने वाली है ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि ये पर्सन आपके लुक्स, आपके चार्म्स, आपकी ब्यूटी, आपकी हॉटनेस उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ कप्स का कार्ड एक भी नहीं आया है मुझे यहाँ पर। लव, अनकंडीशनल लव, अफेक्शन, लवर्स, टू ऑफ कप्स एंड ऑल दैट, मुझे कप्स का एक भी कार्ड यहाँ नजर नहीं आ रहा है। बट दैट डजेंट मीन कि इनकी तरफ से कोई अटैचमेंट नहीं होगा। हो सकता है अगस्त में ये कोई ऐसा जेस्चर शो ना कर रहे हों, इसीलिए यहाँ पर कोई कप्स का कार्ड नहीं आया है। तो अगस्त में मुझे नहीं लगता कि ये आपको कोई रोमांटिक जेस्चर करने वाले हैं, या आउट ऑफ द वे जाकर आपको इम्प्रेस करने वाले हैं, या कन्फेस करने वाले हैं। इट्स नॉट गोना हैपन। अगर होगा तो ये बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ पीपल के लिए होगा, लाइक 10 to 20%। लेकिन मैक्सिमम मुझे लगता है कि ये पैशन तो बहुत फील कर रहे हैं, सोच भी बहुत रहे हैं आपके बारे में, यू नो, हो सकता है आपको लेकर कोई डिसीजन भी बना ले मन ही मन, बट आपकी तरफ एक्शन मुझे कम नजर आता है। क्योंकि ईगो और एक जिद यहाँ पर मुझे लग रही है कि थोड़ा सा ये अपने ईगो में है अभी इस वक्त, और आप भी व्यूअर्स इस समय कॉम्प्रोमाइज करने के मन में नहीं है, क्योंकि मुझे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। आपको सच सुनना है, आपको जस्टिफिकेशन चाहिए यहाँ पर। आप यू नो ऐसा भी है कि शायद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता भी नहीं है कि ये आपसे छिपाई गई हैं, तो वो भी आपके सामने आ सकती हैं। तो आप भी यहाँ पर बहुत इमोशनल एनर्जी में नहीं हो, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप इमोशनल फील करोगे भी, थोड़ा सा आप यू नो वीक महसूस करोगे भी, तो भी आप उसको छुपाने वाले हो, आप इनको एक्सप्रेस नहीं होने दोगे, दिखाओगे नहीं कि आप अभी भी कितने तड़प रहे हो या परेशान हो। ओके, सेम गोज फॉर देम। ये जितना भी पैशन फील करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे, ये उसको हाइड करने की कोशिश करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू डिस्प्ले देयर इमोशंस, दे आर नॉट गोइंग टू पोर्ट्रे देयर इमोशंस एज वट एवर इमोशंस दे आर फीलिंग। ओके, तो ये शो नहीं करने वाले उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स की अगस्त 2022 में भी आप इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत सारी चीजों का। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपका वेट खत्म हो जाएगा अगस्त 2022 में, और कोई गुड न्यूज आ जाएगी, यू नो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये गलत होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगस्त 2022 में भी इनका वेट कर रहे हैं, या किसी मोमेंट का, या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या किसी न्यूज का वेट कर रहे हैं, किसी आउटकम का, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। ओके, इनकी तरफ से किसी एक्शन का, किसी जेस्चर का, किसी डिसीजन का, किसी कन्फेशन का वेट कर रहे हैं, बट आई कैन सी द वेटिंग हियर। ऑल्दो यहाँ पर थ्री ऑफ वैंस का कार्ड नहीं है, बट स्टिल इट शोज कि आप इंतजार कर रहे हैं। ओके, और एक किसी स्पेसिफिक चीज का, किसी एक पर्टिकुलर चीज का, एक मोमेंट का, एक इवेंट का, एक यू नो अपॉर्चुनिटी का, एक चांस का वेट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। व्यूअर्स, हो सकता है कि आपका और इनका कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस है, पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिख रही हैं। हो सकता है आपके पर्सन और आप में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, वो किसी दूसरी सिटी, शहर या कंट्री में रहते हो सकते हैं। ठीक है, यू नो ये हो सकता है डिस्टेंस, या फिर इनका घर कहीं और है और ये जॉब की, बिजनेस की, या पढ़ाई, या किसी और रीजन की वजह से कहीं और रह रहे हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है। यस व्यूअर्स, यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स की थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस अगर इस कनेक्शन में है, तो वो आपको इरिटेट कर सकता है अगस्त 2022 में भी। यानी कि आप उसको लेकर थोड़ा स्ट्रेस में आ सकते हैं कि क्या करें, थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ओवर होगा।
समथिंग लाइक दैट, कब रिलीज होगा या कब आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, आप तो स्टक होके रह गए हैं, अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, बट अगेन आप कोई भी इमोशन या वल्नरेबिलिटी शो नहीं करने वाले। दैट्स व्हाट आई कैन सी हियर। ओके, मैं इस डेक से भी क्लैरिफाई करती हूँ। व्यूअर्स, आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में एस एच हो सकता है, एन के हो सकता है, एन के डी ए वाई, डी ए वाई बी बी आई ई के एल, ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इस रीडिंग को। ओके, कॉन्शियसनेस का कार्ड है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अच्छा मैसेज है बहुत। ट्रैवलिंग का भी कार्ड है यहाँ पर, एंड दिस कार्ड आल्सो वांट्स टू कम आउट। पॉलिटिक्स, मुझे डिप्लोमेसी का मैसेज मिल ही रहा था। ओके व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर सच बात यह है कि सब लोग अपने असली चेहरे नहीं दिखा रहे हैं, आपके पर्सन नहीं दिखा रहे हैं कि कितना अट्रैक्शन पैशन फील कर रहे हैं, सिर्फ ईगो दिखा रहे हैं, रूडनेस दिखा रहे हैं, यू नो ऐसा शो कर रहे हैं, जिद्दी बिहेवियर अपना शो कर रहे हैं, विच इज लाइक कि अभी भी कुछ और है अंदर लेकिन दिखाना कुछ और है, यू नो ऐसा कुछ चल रहा है इस कनेक्शन में। ऑनेस्टी की कमी लग रही है मुझे यहाँ पे। ओके, लाइक नेक्स्ट मंथ में भी, अगस्त में भी मुझे ये लग रहा है कि ये हाइड एंड सीक का गेम चलता रहेगा, आप अपने इमोशंस को छुपाएंगे, ये अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे। इट्स लाइक दैट कि वो अपनी जिद पे हैं और आप जानते हैं कि आप अपनी जगह सही हैं, तो इसीलिए आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, किसी भी वजह से उनको एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं दे रहे हैं जिससे वो और ज्यादा आपको डोमिनेट कर सकें इन एनी वे। ओके, यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो हो सकता है व्यूअर्स के अगस्त 2022 में आप कहीं ट्रैवल करने वाले हों, पर्पस कोई भी हो सकता है, ट्रिप, वेकेशन, फंक्शन, जॉब, यू नो बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये सेम आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है कि वो अगस्त 2022 में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, या फिर मैंने ऑलरेडी आप लोगों से ज्योग्राफिकल डिस्टेंस की बात की, मुझे यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन ज्यादा नजर आ रही है, लाइक नॉर्थ, ओके, नॉर्थ एंड ईस्ट। आई डू नॉट नो कि मुझे ये दोनों डायरेक्शन क्यों चैनल हुए हैं, बट हो रहे हैं। देयर इज समथिंग इन नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट, ओके, इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है नॉर्थ एंड ईस्ट। यहाँ पर कॉन्शियसनेस का भी कार्ड है व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर आपको गाइड भी किया जा रहा है कि अगस्त 2022 में अपनी लव लाइफ को लेकर आपको भी इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है और इन्हें भी नहीं लेना है, कॉन्शियसली सब कुछ सोच समझ के करना है, क्योंकि इमोशंस में बहके या गुस्से में आके लिया गया डिसीजन अगस्त निकलने के बाद आपको रिग्रेट में डाल सकता है। ओके, तो कॉन्शियसली आपको अपने डिसीजंस लेने हैं, बहुत ही रिएक्टिव मोड में आके कुछ नहीं करना है कि अच्छा, जैसे कई लोग करते हैं ना कि किसी ने उनके संग कुछ किया तो उसको वहीं की वहीं कुछ उल्टा बोल कर जाते हैं, या जैसे किसी ने आपको बरसों पहले अपना कोई सीक्रेट बताया, अब आज उस व्यक्ति की आपसे लड़ाई हो गई तो आपने गुस्से में आके उसका सीक्रेट सबको जाके बता दिया, तो ऐसे किसी इंसिडेंट की वजह से, किसी ऐसे मोमेंट की वजह से आपको इंपल्सिव होके या रिएक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में आके कुछ ऐसा नहीं कर देना है जो आपको बाद में ऐसा लगे कि जरूरत नहीं थी, तो कॉन्शियस होकर थॉट क्रिएट करने हैं, क्योंकि आपके थॉट्स का आपकी लव लाइफ पर डायरेक्ट असर हो रहा है। ओके व्यूअर्स, आपका बर्थ मंथ और आपके पर्सन का बर्थ मंथ अक्टूबर हो सकता है, अगस्त हो सकता है, जुलाई हो सकता है, अप्रैल भी हो सकता है, एंड फरवरी भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है, एंड जनवरी भी हो सकता है, ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका या आपके पर्सन का जन्मदिन हो सकता है। चलिए देखते हैं आपका और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, लाइक 10, 20, 30, 13, 12, 14, 24, 22, 23, and 3, 2, 4, 1, 11, 31, 21, 18, 27, 17, 8, 7, काफी ज्यादा यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो कवर हुए हैं डेट्स के, लेकिन मुझे यहाँ पर ये सब नजर आ रहे हैं और ये चैनल्ड भी हो रहे हैं इस तरह से,
तो चाहे ज्यादा हो या कम, मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। हो सकता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ ये हो, और अगर ये बर्थ मंथ और ये डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की सिचुएशन से मैच नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आप लोगों से रेजोनेट कर सकती है। आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, यानी यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं अगस्त के लिए। लेट्स सी। धर्मा अनफोल्डिंग, ओके, एंड द मैसेज इज रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, ओके, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। व्यूअर्स देखिए, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप भूलिए मत कि आप एक जर्नी पर हैं, यू नो, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आपका अपना एक रास्ता है, आपकी अपनी एक डायरेक्शन है, आपकी खुद की एक यात्रा है। यहाँ पर जर्नी की बात हो रही है और यहाँ पर ट्रैवलिंग का भी कार्ड आया था। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपकी खुद की एक लाइफ है, आपकी खुद की एक इंडिविजुअल जर्नी है, जिसमें अगर आप हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, अगर आप खुशियों की तरफ जा रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को, अपने सेटिस्फैक्शन को, यू नो, अपने सेटिस्फैक्शन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपनी हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको एक स्टेप एक बार में लेना होगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको उस डायरेक्शन में बढ़ना होगा। वो जर्नी अगर आपको पूरी करनी है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना होगा। यहाँ पर डिवाइन आपको इस चीज के लिए गाइड कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप एक ऐसे रास्ते पर हैं, ऐसे पथ पर हैं, ऐसे डायरेक्शन में हैं, जहां आप जल्दबाजी में मत रहिए, एक एक कर कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इस पॉलिसी पर बिलीव करिए। यू नो, एक एक मैसेज भी चैनल हो रहा है, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया जो है उस पर भरोसा रखें। अगर इतने सारे स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स को मिस कर दिया जाए डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचने के लिए, तो उसका आउटकम बदल जाएगा। यू नो, जैसे आप मैथ्स करते होंगे, सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तो जब आप सिंप्लीफाई करते होंगे किसी इक्वेशन को, किसी प्रॉब्लम को, मैथमेटिक प्रॉब्लम को, तो वहां पर भी एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, डिवाइड करते हैं, ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऑल दैट, ओके। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप जाते हैं, तभी आपको एक राइट आंसर मिलता है। अगर आप पहले ब्रैकेट ओपन ना करें इक्वेशन का, डायरेक्ट उसको पहले मल्टीप्लाई करें फिर बाद में डिवाइड करें, तो आप किसी गलत आंसर पर पहुंचेंगे जो कि रेलेवेंट नहीं होगा, ओके। तो सेम लाइक दैट मैंने एग्जाम्पल दिया है मैथमेटिक्स का यहाँ पे, कि मैथ्स में अगर आप कोई इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो एक स्टेप होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसे सॉल्व करेंगे तो ही आपको राइट आंसर मिलेगा। ये सेम मैसेज आपके लिए है कि आप हर एक स्टेप को फॉलो करके, हर एक यू नो सिचुएशन को एक्सपीरियंस करके आगे जाएंगे, तो हर एक लेसन लेने के बाद आप आगे पहुंचेंगे, ओके। जैसे यू नो, आज ही एक पर्सन को बोल दिया जाए कि जाइए डांस परफॉर्म कीजिए स्टेज पर जाके, और एक उस पर्सन को बोला जाए जो डेली उस डांस की प्रैक्टिस करता है, तो ऑब्वियसली जो प्रैक्टिस कर रहा है उसका आउटकम अलग होगा, और जो रैंडमली चला गया उसका आउटकम अलग होगा। तो आप ये जानते हैं कि जो भी प्रोसेस या जो भी आपके साथ फेजेस आ रहे हैं, साइकिल्स आ रही हैं लाइफ में, वो इंपॉर्टेंट हैं आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए भी, और मेनली डिवाइन ने यहाँ पर कहा है आपके इंडिविजुअल जर्नी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओके ओके। मास्टर जीजस का कार्ड है, जीजस फॉरगिवनेस। व्यूअर्स, यहाँ पर फॉरगिवनेस की बात है, माफ करना होगा आपको अपने पर्सन को फॉर वॉट एवर दे डिड टू यू, और आप उन सभी सोल्स को माफ कर दीजिए जिन्होंने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपको इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में हर्ट किया है। यू नो, माफ कर दीजिए और माफी मांग भी लीजिए, ओके। हो सकता है कि आपने इंटेंशनली कभी किसी को हर्ट ना किया हो, लेकिन यू नो अनइंटेंशनली हो गया हो, या इस लाइफ में नहीं तो पास्ट लाइफ में आपसे कोई हर्ट हो गया हो, आपकी बात से, आपके किसी एक्शन से कोई हर्ट हुआ हो, तो आप भी माफी मांग लें सभी सोल्स को इस लाइफ में और पास्ट लाइफ में भी, और सबको माफ भी कर दें। यहाँ मैसेज है यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट। देखिए व्यूअर्स, यहाँ भी पाथ की बात हुई थी। देखिए, यहाँ मैसेज था रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, ओके। यहाँ कहा जा रहा है यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। आप जिस रास्ते पर हैं व्यूअर्स, वो प्यार का, यू नो, शांति का, रोशनी का, या माफ कर देने का रास्ता है, यानी कि एक ऐसा रास्ता जहां पर कंप्लेन्स, ग्रजेस और मन मुटाव रखने की जगह ही नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आपको अपना दिल साफ करना होगा, और
जो लोग आपको हर्ट करते हैं, जिनके प्रति आपके मन में कंप्लेन या ग्रजेस हैं, उन्हें माफ करना होगा। नीचे ही लिखा है फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अगर आप हील महसूस नहीं कर रहे थे, बहुत ही ब्रोकन या पेनफुल एनर्जी में थे, आपको लगता भी है कि आप हील नहीं हैं, आपको हीलिंग की जरूरत है, डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक सिचुएशंस में आप आ चुके हैं या नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपकी हीलिंग भी पॉसिबल है। फेथ रखिए डिवाइन पर। ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग कि अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी हो सकती है। बहुत ही मैजिकल यहाँ पर कुछ निकल कर नहीं आया है, लेकिन काफी ट्रुथ आपके सामने रिवील हो सकता है। और बाकी आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि आप कॉन्शियस होकर सोचिए। ओके, लोगों के रियल फेसेस सामने आ सकते हैं, हो सकता है आप अगस्त में भी वेट कर रहे हो किसी चीज का, तो ये सब चीजें पॉसिबल है। आई होप ये रीडिंग रिलेटेबल रही है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि एक्यूरेटली रेजोनेट हुई है ये रीडिंग, या कुछ परसेंट हुई है, या बिल्कुल रेजोनेट नहीं हुई है। आप कमेंट करके बताएं जरूर, आई एम ओपन टू द फीडबैक। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले वो आप तक पहुंचे, तो व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊंगी सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगा। अपकमिंग रीडिंग्स के लिए आप टॉपिक सजेस्ट कर रहे हैं, मैंने कंसिडर भी किया है एक दो टॉपिक्स को, और भी मैं आपके दिए हुए टॉपिक्स को कंसिडर करूंगी, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी उस पर्सन के लिए हेल्पफुल हो जो कमेंट पढ़ रहा है। ओके, सिर्फ इसलिए कहती हूँ। ओके व्यूअर्स, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय फैमिली, बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।